वेलवेट पेंसिल मेकिंग बिजनेस कैसे शुरू करें? पेंसिल का नाम सुनते ही बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। आपने भी अपने बचपन में इसका इस्तेमाल तो किया ही होगा। जी हाँ, आज हम जिस बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पेंसिल का इस्तेमाल लगभग हर जगह होता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर ऑफिस हो। समय के साथ पेंसिल भी कई तरह की आने लगी है, जैसे रंग बिरंगी वेलवेट पेंसिल जो कि छोटे बच्चों में काफी ज्यादा फेमस हो रही है। इस पेंसिल को बनाना और बेचना बहुत ही आसान है, क्योंकि स्टेशनरी दुकान से किराना दुकान तक हर जगह इनकी बिक्री होती है। तो अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो पेंसिल मेकिंग बिजनेस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। वेलवेट पेंसिल बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल: कच्ची पेंसिल, वेलवेट पाउडर, गम। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? वेलवेट पेंसिल बनाने का बिजनेस शुरू करने के लिए कुल निवेश लगभग 70,000 से 80,000 रुपए तक लग सकता है। इसमें मशीन की कीमत लगभग 60,000 और करीबन 20,000 तक का रॉ मटेरियल लेकर आप इसे शुरू कर सकते हैं। वेलवेट पेंसिल बनाने का प्रोसेस: वेलवेट पेंसिल बनाने की मशीन को चलाना काफी आसान है, इसे कोई भी ऑपरेट कर सकता है। पेंसिल बनाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मशीन में वेलवेट पाउडर डाल दिया जाता है, उसके बाद स्टैंड में कच्ची पेंसिल लगा दी जाती है। इस स्टैंड में एक बार में 4 पेंसिल लग सकती हैं। इन पेंसिल्स पर ब्रश की मदद से अच्छी तरह गम लगा दिया जाता है। अब स्टैंड को वेलवेट पेंसिल बनाने वाली मशीन में उचित स्थान पर लगा दिया जाता है। स्टैंड को लगाने के लिए मशीन के अंदर मैग्नेट लगा होता है, जिससे स्टैंड आसानी से चिपक जाता है। स्टैंड लगाने के बाद मशीन का स्विच ऑन कर दिया जाता है। मशीन में ऑटोमेटिक 30 सेकंड का टाइम सेट कर दिया जाता है। 30 सेकंड मशीन चलने के बाद वेलवेट पाउडर पेंसिल में अच्छी तरह से चिपक जाता है। इस तरह से 30 सेकंड में 4 वेलवेट पेंसिल बनकर तैयार हो जाती हैं। स्टैंड को मशीन से बाहर निकालकर पेंसिल को सुखा लिया जाता है। उसके बाद पेंसिल पैकेजिंग के लिए तैयार हो जाती है। वेलवेट पेंसिल की पैकेजिंग के लिए पैकेट्स को अट्रैक्टिव बनाएं ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों। पैकेट्स पर बच्चों की पसंद के अलग अलग कार्टून कैरेक्टर लगा सकते हैं, जैसे डोरेमोन, छोटा भीम, शिनचैन आदि। मार्केटिंग कैसे करें? पेंसिल ऐसी चीज है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। अगर आप प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट आसानी से बिक जाएगा। आप अपने एरिया के स्टेशनरी शॉप और जनरल स्टोर को अपनी पेंसिल बेच सकते हैं। स्टेशनरी आइटम को बेचने वाले होलसेलर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेलवेट पेंसिल का सबसे अच्छा मार्केट ऑनलाइन है, तो आप इसको ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी बेच सकते हैं, जैसे Amazon, Flipkart आदि। ये बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट में बड़े ही आसानी से शुरू किया जा सकता है, तो आज ही शुरू करें ये बिजनेस और कमाएं अच्छा मुनाफा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।